अध्याय 5 देख रहे हैं, संस्थाओं का कामकाज। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं का कामकाज। पहला सवाल है, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर आप पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, ये नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जो एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ये चुने गए सांसद, वो चुनेंगे प्रधानमंत्री को। ऐसी लोकतंत्र लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अगर कोई विधेयक आता है तो उसके पुनर्विचार के लिए जरूर भेजा जा सकता है अपनी टिप्पणी सहित। मंत्री परिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन नहीं कर सकते ये। तो ये है इसका उत्तर सही। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? उत्तर है गृह मंत्री। गृह मंत्री ये राजनीतिक कार्यपालिका यानी जो लोग चुनाव जीतते हैं, सांसद बनते हैं, जिनकी मेजॉरिटी होती है, वो सरकार बनाते हैं और फिर एक प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री अपना कैबिनेट चुनता है, उस कैबिनेट में गृह मंत्री आते हैं, इसलिए वो राजनीतिक कार्यपालिका में गृह मंत्री आते हैं। न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है? उत्तर है क, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। बिल्कुल गलत है। संसद जो कानून पास कर देती है दोनों सदन मिलके, बस वो राष्ट्रपति के पास जाता है, वो उसे अप्रूव करते हैं और वो कानून बन जाता है। बाकी सब गलत है, मतलब बाकी सब, ये एक ही बयान गलत है, बाकी सब आपके सही है। जैसे न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है, ये सही है, तीनों सही है, बाकी यही गलत है। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो उत्तर इसमें है, जो संसद है वो ही। केवल राजनीतिक संस्थाओं की बात की जा रही है तो मौजूदा कानून को बनाना, उन्हें मिटाना, उन्हें संशोधित करना यानी उन्हें मॉडिफाई करना, ये देश की संसद कर सकती है। उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा। तो देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। अब जूट के लिए कौन सा, किसको रिलेट करेंगे आप? क्योंकि यहां पर निर्यात किया जा रहा है, क्योंकि निर्यात की बात आ गई है, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से इसे हम रिलेट करेंगे। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाए। टेलीफोन के लिए सूचना और संचार, ये प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन, ये जो मंत्रालय देखता है वो देखेगा इसे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी या ज़्यादा की जाएंगी, तो इसे कौन देखेगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कृषि खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, यहीं पर आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा, ये स्वास्थ्य मंत्रालय यानी हेल्थ मिनिस्ट्री का काम है, वो देखेंगे इसे। ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे, अब ये देखेंगे रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री। देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उन राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। तो सड़क, सिंचाई, जो बुनियादी ढांचे हैं उनके विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, इसको वित्त मंत्रालय देखता है, जो कि लोकसभा से रिलेटेड है।
तो जिसे हम कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री देखेगी इसे, क्योंकि यहां पैसे की बात आ रही है, कहां कितना पैसा खर्च होगा। स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है, संसद करती है। दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? जब दो राज्य सरकारों के बीच में बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का रोल आएगा। भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगती है, ये कार्यपालिका मांगेगी, कार्यपालिका एग्जीक्यूशनरी। भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? निम्नलिखित चार जवाबों में से सबसे सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कारण दीजिए। तो उत्तर ये है, क्यों इसको हम कह रहे हैं पहले ये समझ लीजिए। अगर हम इसकी बात करें पहले की कि संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है, यानी मान लीजिए हमारी 252 ये 543 सीट्स है, किसी पार्टी ने 350 सीट जीत ली, किसी एक पार्टी ने। अब ये जो लोग हैं एमपी, ये अपना नेता चुनेंगे, वो नेता जो होगा वो इनका प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए, या ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त हो, वो केवल एक कठपुतली या तानाशाह बन के ना रह जाए, उसको तो कठपुतली या तानाशाह बनने से रोकने के लिए, क्योंकि उसे मंत्रिपरिषद जो लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है उनके साथ काम करना पड़ता है। कैबिनेट जो बनाई जाएगी, जो बाकी और एमपी हैं उनके पार्टी के, या फिर कोई गठबंधन सरकार है, कोई गठबंधन सरकार है, वो सब मिलके एक अपने प्रधानमंत्री को चुनेंगे। तीन दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है। एक नायक पिक्चर आई थी आपके अनिल कपूर साहब की, उसमें कुछ इस तरीके से दिखाया गया था, और राज्य में बहुत से बदलाव लाता है। इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज की जरूरत है। रिजवान साहब कहते हैं कि इस तरह का बिना संस्थाओं वाला व्यक्ति का राज ये खतरनाक है। शंकर कहते हैं कि यह तो एक कल्पना है, कोई भी मुख्यमंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है? तो ऐसी फिल्म थोड़ी व्यवहार से परे, जिसे हम अव्यवहार्य या ये कहें अलोकतांत्रिक लगती है हमें, क्योंकि किसी योजना को कार्यान्वित करने के लिए, किसी भी योजना को, किसी भी पॉलिसी को लागू करने के लिए, उसे एग्जीक्यूशन करने के लिए सत्ताधारी लोगों का अनुमोदन आवश्यक होता है। एक मुख्यमंत्री अगर सब कुछ करने लगेगा, अपने डिसीजन के हिसाब से चलने लगेगा, तो फिर ये तो तानाशाही हो गई, ये तो राजशाही हो गई। मुख्यमंत्री की नियुक्ति निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के उपरांत की जाती है। साथ ही सुधारों के लिए अत्यधिक योजना बनाने की जरूरत होती है, इसके लिए बहुत गहन विचार, बहुत गहन डिस्कशन और समय और पैसे की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि हाँ, हम शंकर से सहमत हैं, राज्य में बदलाव के लिए केवल एक दिन काफी नहीं होता, इसके लिए समय चाहिए होता है। एक शिक्षिका छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी कर रही थी। उसने दो छात्राओं को अलग अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका करने को कहा। उसने उन्हें विकल्प भी दिया, चाहे यदि वे चाहे तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकती थी, अगर चाहे तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल की। अगर आपको यह विकल्प दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? अब है क्या कि लोकसभा के पास ऑलमोस्ट सारे पावर हैं, राज्यसभा के पास पावर कम है। तो जिस लोकसभा की बात चल रही है, जिसे हम कृत्रिम लोकसभा कह रहे हैं, इसको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा ये अधिक शक्तिशाली होती है। कोई भी सामान्य बिल दोनों सदनों द्वारा पास किया जाना आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी है, किंतु लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्योंकि ज़्यादा है, इसके कारण बहुमत का निर्णय मान्य होता है। इसीलिए जो लोकसभा से पास होता है अमूमन वो राज्यसभा से भी पास हो जाता है।
वित्तीय मामलों में लोकसभा की शक्तियां अधिक होती हैं, यानी जो वित्तीय बिल है, बिल जिसमें पैसे की बात है या पैसे से रिलेटेड है, मनी बिल जिसे हम कहते हैं, वो केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। देश के प्रशासन को चलाने के लिए सारा धन लोकसभा द्वारा ही प्रदान किया जाता है। लोकसभा मंत्रिमंडल को नियंत्रित भी करती है। लोकसभा के सदस्य योग्य मतदाताओं द्वारा, जो भी वोटर्स हैं उनके द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में लड़के जीत के आते हैं। आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर तीन विद्यार्थियों की न्यायपालिका पर अलग अलग प्रतिक्रिया थी। इसमें से कौन सी प्रतिक्रिया न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझती है? अब श्रीनिवास साहब का तर्क है कि क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई है, लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है। ये इसको जरा ध्यान से देखेंगे, अभी पहले बाकी पढ़ लेते हैं। अंजय्या का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया है, तो ये तो सही कह गए अंजय्या। विजया का मानना है कि न्यायपालिका न तो स्वतंत्र है, न ही किसी के अनुसार चलने वाली है। यह गलत हो गया मामला, बल्कि वह विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थ या मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। न्यायपालिका ने इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया है। आपकी राय में कौन सा विचार सही है? क्योंकि गलत हो गया ये भी मामला, गलत ये भी बिल्कुल सही था, क्योंकि न्यायपालिका वाकई में जो जुडिशरी है वो स्वतंत्र है क्योंकि वो सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती है। तो न्यायपालिका की जो भूमिका है, हम अंजय्या जो है उनके हिसाब से जो कहा गया वो हम सही मानेंगे। श्रीनिवास का जो तर्क है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई है, लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है। जब न्यायालय और वो सरकार की बात बनने लगे या उसके उसके प्रेशर में काम करने लगे, तो वो तो स्वतंत्र नहीं हुई ना, इसलिए ये भी गलत हम कर देंगे। अंजय्या ने सही कहा है। तो ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।